Hello friends, welcome to Global Online University channel. Please like and subscribe the channel and also click the bell icon. ठीक है friends, तो आज हम start करने जा रहे हैं friends isomerization. तो friends ये भी काफी important topic है और ये last topic है coordination chemistry का. ठीक है friends, gate और CSIR net के point of view से, both के point of view से बहुत important topic है. तो friends आज हम start करते हैं isomerization. तो friends isomerization में क्या होता है, in which जो कंपाउंड्स होता है वो केमिकली, तो क्या होता है उसमें केमिकली कंपोजिशन सेम होती है. जो भी कंपाउंड होता है उसकी केमिकली कंपोजिशन सेम होती है, बट जो उसमें उसमें प्रेजेंट आपके लिगेंड होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता रहता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है केमिकली कंपोजिशन सेम होती है बट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिफरेंट हो जाते हैं. इस फिनोमिना को आइसोमेराइजेशन कहते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आइसोमेराइज जैसे हमने आइसोमेरिज्म है, तो ठीक है फ्रेंड्स, जो आइसोमेरिज्म है वो दो टाइप से होती है. ओके फ्रेंड्स, दो टाइप से उसको डिवाइड किया जाता है आइसोमेरिज्म को. तो पहला टाइप हो गया आपका स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, यानी स्ट्रक्चरल के मतलब स्ट्रक्चर में ही चेंज आएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म. और सेकेंड पार्ट होता है फ्रेंड्स इसका स्टीरियो आइसोमर, मतलब स्टीरियो देखेंगे हम यहाँ पर इसको. ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा पहला पार्ट था हमारा फ्रेंड्स स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के 7 सब पार्ट में डिवाइड होते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इनकी स्टडी करते हैं. तो ये किस किस पार्ट में डिवाइड होते हैं, आयनाइजेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है फ्रेंड्स, लिंकेज आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमेरिज्म और लिगेंड आइसोमेरिज्म और पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म. ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. तो हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दो चीज होती है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, एक आयनाइजेशन स्फीयर. तो क्या होता है फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में लिगेंड्स का एक्सचेंज होता रहता है. ओके फ्रेंड्स, तो ये कैसे पता लगा फ्रेंड्स, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं इसका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ फ्रेंड्स. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मेरा है CONH3 का होल 5. ओके फ्रेंड्स, यहां पर मैंने ले लिया Cl और यहां पर ले लिया मैंने SO4. ठीक है फ्रेंड्स, एक मैं एक और एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, CONH3 का होल 5, यहां पर मैंने SO4 ले लिया और मैंने यहां पर ले लिया Cl. ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हुआ, मैंने इसकी एक बार रिएक्शन करा दी BaCl2 के साथ. ओके फ्रेंड्स, और दूसरी बार रिएक्शन करा दी AgNO3 के साथ. ठीक है फ्रेंड्स, तो BaCl2 के साथ जब मैंने रिएक्शन कराई तो मेरा बेरियम सल्फेट बन गया, बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बना. ओके फ्रेंड्स, बेरियम सल्फेट का यहाँ पर व्हाइट पीपीटी बन गया और AgNO3 के साथ यहाँ पर नो रिएक्शन हो गई, नो रिएक्शन. ओके फ्रेंड्स, अब मैंने सेम रिएक्शन करवाई, सेम मैंने कंपाउंड लिए, यहां पर मैंने लिया BaCl2. ओके फ्रेंड्स, और यहां पर लिया AgNO3. ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जब BaCl2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई तब नो रिएक्शन हुई. ओके फ्रेंड्स, अब मैंने जब AgNO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो AgCl का मेरा पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया. इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया कि लिगेंड आइसोमर की आपका जो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है, ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये होता है आयनाइजेशन स्फीयर. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में लिगेंड्स का एक्सचेंज होता रहता है, इसी फिनोमिना को आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो ये काफी एग्जांपल है, ये बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कि इसमें लिगेंड्स का आपस में एक्सचेंज होता रहता है. ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं हम. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म. तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि आपका मोस्टली मोस्ट कॉमन एम्बिडेंटेंट लिगेंड यूज किया जाता है और एम्बिडेंटेंट का क्या होता है लिंकेज, मतलब उसका लिंकेज बदलता रहता है. एम्बिडेंटेंट लिगेंड वो होते हैं फ्रेंड्स जो जिसमें दो डोनर साइट होते हैं बट वो एक बार में एक ही डोनर साइट से अटैच होते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे इसका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपका मैं लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल ले रहा हूं, आइसोमेरिज्म. जैसे मैंने CONH3 होल 5 NO2 में है, तो फ्रेंड्स यहां पर क्या होगा, ये एक बार NO2 यानी एक बार N से लिंक है और दूसरा और क्या हो जाएगा फ्रेंड्स NH3 होल 5 ONO. ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये दूसरे टाइप के आइसोमेरेज है, लिंकेज। मतलब क्या हुआ कि पहले पहले कंपाउंड में ये नाइट्रोजन से लिंक था और दूसरे वाले में ऑक्सीजन से लिंक है। तो क्या हुआ, एक बार लिंक बदल गया इनका। मतलब ये जो एक्चुअली में जिससे लिंक होना था, ये पहले नाइट्रोजन से लिंकेज था और अब ये ओ से लिंकेज हो गया। तो ये क्या हो गया, लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया। और बेसिकली ये एम्बिडेंटेड न्यूक्लियो एम्बिडेंटेड लिगेंड शो करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये होगी हमारी लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है थर्ड नंबर पे, आती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपका एक्वा मतलब जो वाटर होता है ना, वाटर की लिंकेज बदलती रहती है। कि एक बार कोऑर्डिनेशन स्फेयर में, कि जैसे कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर रखा है वाटर और अंदर क्लोरीन है, तो वह एक बार अंदर चले जाएंगे और एक बार बाहर हो जाएंगे। ये वाटर मोलिक्यूल मतलब आपस में एक्सचेंज होता रहता है क्लोरीन से। तो वही हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बीच में वाटर का एक्सचेंज होना ही हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने तीन आइसोमेरिज्म पढ़ ली फ्रेंड्स। अब आती है चौथी, आती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, दो कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बीच में लिगेंड्स का आपस में एक्सचेंज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये होगी हमारी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि दो लिगेंड्स के बीच में अब जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का। इसमें दो कोऑर्डिनेशन स्फेयर्स के बीच में लिगेंड्स का आपस में एक्सचेंज होता है। अब जैसे इसका मैंने एग्जाम्पल लिया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूं, तो जैसे CONH3 का होल 6 हो गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, एक ये एग्जाम्पल हो गया और आपका CrCN का होल 6 हो गया। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो ये आपका ये दो आ, आ, ये अगर कैटायन हो गया तो ये एनायन हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गए दो कोऑर्डिनेशन स्फेयर्स के बीच में। अब क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें कैटायन मतलब लिगेंड्स का एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे अब क्या हो जाएगा, तीन लिगेंड्स ये कोबाल्ट के साथ ये साइनाइड के लिगेंड आ जाएंगे, COCN का होल 6 एंड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, CrNH3 का होल 6। ओके फ्रेंड्स, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है फ्रेंड्स, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के बीच में लिगेंड्स आपस में एक्सचेंज कर जाते हैं। इस फिनोमिना को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल है, अब नेक्स्ट वाली आइसोमेरिज्म आती है आपके फ्रेंड्स की कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमेरिज्म। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, ये बेसिकली कि आपका ब्रिजिंग लिगेंड होनी चाहिए इसमें कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमेरिज्म। दो ब्रिजिंग लिगेंड्स में वर्क करती है और उसमें जो आपका ब्रिजिंग लिगेंड होने से जो दो आपके मेटल होते हैं उसमें लिगेंड्स का आपस में एक्सचेंज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो कैसे होता है। तो जैसे मेरा यहां पर ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मैं कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमेरिज्म तो इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं फ्रेंड्स मैं, जैसे मेरा कोबाल्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये NH2 हो गया और ये O2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा है, ये आपके दोनों ब्रिजिंग लिगेंड हो गए और यहां पर क्या लगा है, Cl4 हो गया और आपका NH3 का होल 4 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें COE हो गया, ये ब्रिजिंग लिगेंड हो गए फ्रेंड्स, NH2 ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये O2 हो गया, ये तो यहां पर क्या होगा, ये एक NH3 मतलब ये लिगेंड आपस में कि ब्रिजिंग लिगेंड्स में, इन केस ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन मतलब लिगेंड्स का आपस में एक्सचेंज हो जाएगा बिटवीन टू मेटल आयंस। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये NH3 का होल 3 हो जाएगा, यहां पर Cl आ जाएगा और यहां पर Cl4 की जगह Cl3 हो जाएगा और एक NH3 यहां पर चले जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बस इसमें एग्जैक्टली में क्या हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर की कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ही है, उसमें लिगेंड्स की पोजीशन बदल रही है बिटवीन टू मेटल आयंस। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। अब नेक्स्ट आता है लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब क्या होता है फ्रेंड्स, हमने ये पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपके मेटल एक्सचेंज होता है, आपका मेटल के अंदर लिगेंड आपस में एक्सचेंज करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फेयर और आयनाइजेशन स्फेयर के बीच में लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है। अब फ्रेंड्स क्या होता है, जो लिगेंड आइसोमेरिज्म होता है उसमें लिगेंड्स का आपस में एक्सचेंज होता जाता है। तो क्या होता है, लिगेंड आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो ये क्या हो गया, लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड
आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म लिगेंड्स का आपस में एक्सचेंज होता है। आप देखिए फ्रेंड्स वो कैसे होता है, आप जैसे आपका ये एग्जांपल है फ्रेंड्स, अगर ये थाइलीन मॉलिक्यूल है तो ये NH2 हो गया फ्रेंड्स, और यहां पर भी NH2 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स अगले में क्या हो जाएगा, एक ये हो गया, अभी यहां पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इस वाले में ये जो लिगेंड है फ्रेंड्स, इसमें जो नाइट्रो NH2 ग्रुप है वो 1,3 से जुड़ा है, 1,2,3 मतलब 1,2,3 से जुड़े हैं, और इसमें क्या हो गया फ्रेंड्स 1,2 से जुड़ गए। तो लिगेंड आपस में भी एक्सचेंज हो सकते हैं, मतलब उनके जो पोजीशन है वो भी आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं बिटवीन डोनर एटम्स, दोनों डोनर एटम आपस में एक्सचेंज कर जाते हैं, उस फिनोमेना को बोलते हैं फ्रेंड्स लिगेंड आइसोमेरिज्म। ओके फ्रेंड्स, अब लास्ट वाला एग्जाम्पल है इसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म होती है ये एग्जैक्टली में होती नहीं है, बट एक एज्यूम किया जाता है कि ये हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं है, जैसे हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं ना, तो समथिंग लाइक दैट वैसे होती है कि पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म बल्क में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, मोलर रेशियो लिया जाता है। तो जैसे ये फ्रेंड्स एग्जाम्पल है इसका, जैसे मेरा प्लेटिनम हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस हो गया और Cl2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है, अब अगर मैं प्लेटिनम NH3 और आपका Cl का रेशियो करता हूं तो इसमें क्या रेशियो है फ्रेंड्स, 1:1 है, या NH3 का 2:2 और Cl का भी 2:2 है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब एक से अगर मैं सेम एक और एग्जांपल लेता हूं, PtNH3 का होल 4 हो गया, ओके फ्रेंड्स, और आपका प्लेटिनम हो गया और Cl4 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो गया फ्रेंड्स, अब इसमें प्लेटिनम 2 आ गए तो यहां पर 2 का रेशियो हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, NH3 कितने आ गए, 4 आ गए और Cl4 भी 4 आ गए। तो फ्रेंड्स अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें मोलर रेशियो क्या आ रहा है, 1:2:2। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें क्या हो रहा है, 1:2:2, इसमें भी सेम आ रहा है, क्योंकि अगर 2 को मतलब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है कि हम अगर हमें मोलर रेशियो में बनाना है कि पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, प्लेटिनम लिया मैंने NH3 Cl, ये आपका पूरा होल ट्वाइस हो गया और ये प्लेटिनम हो गया और ये Cl4 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इसमें प्लेटिनम देखे जाते हैं तो 2 इसमें हो गए, 3 हो गए। ओके फ्रेंड्स, अब अगर NH3 के